हेलो भाई लोग, वेलकम है जी आपका फिर से एक और ब्लॉग में। तो फाइनली मैंने आज धुल दी अपनी गाड़ी। ए येलो। और यार गाड़ी धुलने के साथ साथ मैं चाबी लेके आया और चाबी धुलते धुलते पता ना मैंने कहाँ रख दी। और मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ अपनी चाबी, चाबी ना मिल रही यार। मैंने सारी गाड़ी में देख ली, कहीं ना मिली। पता ना सीट के नीचे चली गई, कहाँ चली गई कुछ पता ही ना। कोई कह देगा धुली हुई है गाड़ी, कोई ना कहने का पर गंदी इतनी हो रही है। खैर मैंने बाहर से साफ करी है, अंदर से नहीं करी। और यार चाबी का तो अचंबा ही हो गया कि चाबी गई तो गई कहाँ, कहाँ गई कहाँ गई। इसके अंदर तो ना चली गई, मैंने बोनट भी खोला, गई बोनट के अंदर चली गई हो। चलो भाई बोनट भी खोल के देख लो, कभी बोनट के अंदर ही रख दी हो मैंने यार, ऐसे भी तो ना खुलता है। बोनट के अंदर कहाँ रखी, अबे भाई ये रखी। सही सलामत ब्रो, बच गई वरना शहीद हो जाती। मैं तो अपनी गाड़ी धुलने में रह गया और इतने मम्मी तैयार भी हो गई। जिससे पहले मम्मी अब हल्ला काटे उससे पहले मग्घा मारूं जल्दी से अपने ऊपर। तो भाई अपने ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन शेक। तो हाँ भाई गाड़ी वगैरह धुल के कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं भाई आज अपने मामा के यहाँ पे। मम्मी दो दिन से बोल रहे हैं कि मामा के यहाँ चलेंगे चलेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा। लेकिन आज फाइनली टाइम मिल गया, तो आज मैं और मम्मी मामा के यहाँ पे जा रहे हैं। हमने केले लेने के चक्कर में गाड़ी ऐसी जगह खड़ी कर दी जहाँ चारों तरफ बराती बराती दिख रहे हैं, और इनके पास डीजे की जगह गाड़ी है। और यार गाड़ी में इतना तगड़ा साउंड सिस्टम लगा हुआ है, लो बस सुनो। भाई गाड़ी में इतना तगड़ा डीजे लगा रखा है इन्होंने कि डीजे करने की जरूरत ही ना, गाड़ी में चला रहे हैं गाने दबा के। और मेरे पीछे बराती खड़ा है, दूल्हा खड़ा है, ये खड़े यहाँ पे बेचारे। ये हट भी ना रहे, पीछे को हॉर्न बजाओ कुछ भी करो, हट जाओ यार दूल्हे राजा, हमें निकलन दो। मैं बैक की मसाज के लिए रोलर देख रहा तो मुझे मिला ये, और उसके बाद मैंने अपने घर पे ढूंढा तो मुझे मिला ये, और अब मैं बनाऊंगा इसका ये, मतलब इसे जॉइंट पर से काट के इसका रोलर बनाऊंगा मैं भी। और इस पर पहले देखूंगा ऐसी अपनी कमर वगैरह रगड़ के तो ठीक लगेगा तो ठीक है, वरना इस पर कपड़ा रगड़ लूंगा। तो अभी मैं पहले इसका प्रोसेस शुरू कर दूं बनाने का। पीकू महोत्रे, बन तो गया रोलर। हाँ तो भाई एक दो मिनट की मेहनत के बाद रोलर बन तो गया, और अब मैं देखूंगा प्रैक्टिकली भी ठीक है ना, तो इसका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। यस ब्रो, कामयाब तो देखो भाई है, भाई कामयाब तो है। अगर तुमने बैक का वर्कआउट मारा है और उसके बाद तुम करना चाह रहे हो ना अपनी बैक को रिलैक्स, तो मसल रिलैक्स करने के लिए सही है। ऐसे देखता रहूँ मैं और भी प्रोडक्ट, मतलब ऑनलाइन जो दिखे मेरे को कि क्या से क्या बन सके, तो उसी का प्रैक्टिकल, तो उसी चीज़ का प्रैक्टिकल मैं अपने घर पे करने के लिए सोचूं क्या मैं उस चीज़ को बना पाऊंगा ना बना पाऊं। तो साथ में जुड़ गया एक मेरा मसाज रोलर, अपनी बैक की मसाज कर देगा ठीक ठाक। हाँ तो काफ़ी टाइम बाद अपने इन घट्टे भरे रस्तों पर उतर गई हमारी हाय भूसा। और भाई बहुत गड्ढे हैं यार, ऊपर से स्कूटी और है, मतलब इतनी ज़्यादा बजी पड़ी है मेरी स्कूटी। पापा ना समझो कि खेत पर रख के फेली है, बहुत बेकार करके सब हो रखी है। अभी इसकी सर्विस वगैरह करानी है और दो चार चीज़ और करानी है, पूरे इसके थे वगैरह हुए सब कुछ हिले पड़े हैं, जिनकी आवाज़ बहुत आ रही होगी तुम्हें वीडियो में देखने को भी। तो ज़्यादा कान ना खाते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दूँ मैं, ज़रा अगला शॉट लूँगा कहीं और। हमारे गाँव के छोटे छोटे बालक भी लेदर की बॉल से खेल रहे हैं, BDM की बॉल है, और खेल पता है कौन रहा है, रिषभ तेरी बॉल है, तेरी है, चल मैंने तेरा देख तो सही यार लेदर की बॉल से खेल कौन रहा है। वाह भाई ऋषभ वाह, ले साइड में फेंक रहा हूँ, सिर खुल जा, हट जा वहां से, हट जा आगे से, ले उठा ले, जा उठा ले। बालक फॉर्म में हमारे गांव के पूरे छोटे छोटे से बालक भी लेदर की बॉल बजा रहे हैं। तो अभी कंपटीशन चल रहा है गोला फेंकने का, मेरा और टिंकू का। वैसे टिंकू का दो चार दिन बाद में कंपटीशन है गोला फेंकने का, क्योंकि कॉलेज की तरफ से जा रहा है, तो इस वजह से कंपटीशन में गोला फेंकने की तैयारी कर रहा है। टिंकू कितनी दूर फेंक देगा, वो और काफी दूर फेंक दिया, मेरा तो इससे आधी दूर ही फीका, मतलब यहाँ फीका जहाँ टिंकू इस टाइम जा रहा है, मेरा यहाँ फीका और टिंकू ने यहाँ फेंका जहाँ पहुंच गया। मैं आज प्रैक्टिस करके देख लूँ गोला फेंकने की, दिखाइए जरा एक सेकंड को। तो इसे आए हुए हो गया टाइम कम से कम 3 महीने हो गए, बारिश जब पहली वाली शुरू हुई तब आया, तो तब ये ऑनलाइन मंगाया हमने, और 2-3 बारी मैंने तो फेंक के देखा होगा, टिंकू तो डेली सी कर लेगा प्रैक्टिस। जब भी जब बारिश पड़ने लगे, बस चल अब फेंक के देखा, कंधा निकल गया, गारंटी ना कह दी अपने पापा से भी
चल टिंकू तू फेंक दूर से, अब क्या निशान लगाइए कहाँ फेंकेगा, आगे से हट जाइए पर कभी तेरा सिर खुल जावे, ठीक है। चल टिंकू बहुत दूर है यार, दिखा मेरा नंबर है। अब इसने यार बहुत दूर फेंका है, कम से कम 15-16 फुट फेंका है, कम से कम 15-16 फुट। चल 20 फुट, 26 फुट तो उधर मैंने खा ना पा। 26 फुट? हाँ 26 फुट फेंक देगा तू, 27-27 फुट यार। 26 फुट तो यार बहुत होगा। 27 फुट ब्रो मेरे से ना फिकरा यार, मेरा तो कंधे में दर्द हो जाएगा, 3-4 बार और फेंक दिया तो। सनी देख के फेंकिए क्योंकि बहुत भारी यार, एकदम झटके से फेंके है ना तो जॉइंट जो हिल जाओ, मैं कंधे वाले थोड़ा दूर ही करके फेंकिए। हाँ मतलब सीधा फेंकिए आगे से, यहाँ से जोर लगा आगे फेंकिए। हाँ ऐसे ही अभी ना यार, मैं थोड़े गलत पोजीशन में फेंक रहा हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ फेंकना चाहिए, और फेंकते हो मेरा हाथ पता नहीं यहाँ से यहाँ क्यों जा रहा है, हवा के चक्कर में, जिससे कि मैं ऊंचा फेंक सकूँ दूर जा, पर ये बैम है मेरा ऊंचा ना जाने का इससे। एक बार और ट्राई करूंगा, देखूंगा कहाँ जाएगा। ना फिक्र अब तक ठीक पोजिशन में फेंका, पर मैंने अब की बार पोजिशन ठीक ही, पर मैंने 20 फुट ही फेंका, और पता है टिंकू 24-24 फुट फेंक दे रहा है, पर इसमें टिंकू पता है 100% जीत जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि 100 में से कोई एक आधा की बच्चा होगा जो घर पे जाके प्रैक्टिस करा गोला फेंकने की, तो टिंकू ने गोला फेंकने की प्रैक्टिस शुरू कर दी 1 महीने पहले, और पहले कंपटीशन में बस इतने 14 फुट दूर फेंका, और पूरे कॉलेज में 14 फुट घी से भी फेंका ना, अब 24 फुट फेंक रहा तो बहुत है यार। अब तो मेरे से भी कम है, तो डीमोटिवेट हो रहा है क्या मेरे से है? ललित फेंक देगा 4-5 किलोमीटर दूर। यही तो है बेटे काम में बात, अबे तू ऐसा कर रहा है, इतना तो मैं भी फेंक दूं, फेंक के देगी साले गू निकल जाएगा पेंट में लोवर में ही। ले फेंकिए, ले ले बैस होगी तो ले फेंक के दिखा दे, ले ले तो बतेरा मारियो, चल चल फेंक के दिखाओ। हां मारो फेंक के, यहां से फेंकना, यहां से चाहे भक्के फेंक या लुढ़क के फेंक, फेंक फिर भी देख कितनी दूर फेंक देगा। मैं भी फेंक दूंगा इतनी दूर, तो मैं भी कितना फेंका भाई। इससे क्या शिक्षा मिली? इससे शिक्षा मिली लोग तो बोलेंगे ही, तू अपना काम कर, तू सीधे से फेंकेगा तो भी ना फूका। चल टिंकू इसे दूर रखिए, योगी आदित्यनाथ को कभी फूक जा। ओ बेटे अब क्या बहुत बढ़िया फेंका भाई टिंकू, सही में 27 फुट फेंक दिया भाई, अब क्या लौंडे ना 27 फुट, बहुत बढ़िया टिंकू। 30 फुट लाते ही ना नू समझ ले तेरी पक्की पोजिशन है बन, 30 फुट तो नू समझ ले तेरा मास्टर भी ना फेंक पावे। बालक तो बालक, 30 फुट पर मास्टर भी नू कहेगा गुरु जी ये रहा तुम्हारा फर्स्ट मेडल, तुम पहनो और अपने घर को जाओ। तेने कौन कौन सा उसमें भाग लिया? 400 मीटर 800 मीटर रेस, 400 मीटर 800 मीटर की रेसर, और गोला फेंक ना बेटे, रेस भी मार दे भाई वो। पिछली बार मारी मैंने, तीनों बार मारी एक से बाहर कर दिया, पर हाइट के ऊपर। एक बार क्या हुआ उसमें एनसीसी के लिए उससे रेस लगवाई 1600 मीटर, और यू धड़ाधड़ धड़ाधड़ भगा चला गया बेहिसाब, इतना 800 मीटर तो मारी बहुत तेज, और बाकी इसने 1600 मीटर भी मार दी तीसरे चौथे स्थान पर आ गए, पर इसकी जब हाइट नापने का नंबर आया ना तो एनसीसी में ढेपटा मार के भगा दिया इसे मास्टर ने। 20 फुट ऊपर पहुंच चुका, 20-22 फुट तो फेंक ही दूं। मेरी पहले वाले पे है, 23 फुट फेंक रहा हूं हर बार 23 फुट। योगी देखूं तेरे में क्या किलो वजन है, 7.5 ही है यार टिंकू, फेंक के देखूं इसे भी। तो जब मैं गोला फेंकने के लिए आ रहा ना घर से, तो पापा कह रहे कहाँ जा रहा है, मैं गोला फेंकने की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो पापा कह रहे गोला फेंकने के साथ साथ गन्ने फेंकने की भी प्रैक्टिस कर ले, अब गन्ने तू ही भरेगा इस सीजन में। आज सैटरडे है और आज लेग वर्कआउट है ना, तो मेरा मुंह देखो रेड रेड हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जैसे मैं वेट उठा रहा हूँ ना, जैसे कि मैं स्क्वाट्स मार रहा हूँ और वेट उठा रहा हूँ, तो सारा लोड ऊपर को आते हुए ना यहाँ पे फेस पे पड़ा है बहुत ज़्यादा, तो जिससे कि मेरा मुंह ना यहाँ से रेड रेड हो गया। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, लव यू ऑल, टेक केयर।